नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 10 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने निकाली रिक्तियां। बिहार के कई शहरों में बनेगी 12 नई सड़कें और बाईपास। रेलवे और सड़क योजनाओं में मददगार बनेगी बिहार की नदियां। बिहार के 33 जिलों में आज से अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी। रामनवमी यानी कि भगवान राम का जन्मदिन इस बार आज यानी कि 10 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ये पर्व आमतौर पर चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न के सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म के शुभ अवसर को लेकर मनाया जाता है। आमतौर पर नवमी तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र मिलने पर ही इस पर्व को मनाया जाता है। इस बार ये मौका रविवार और दिन 10 अप्रैल का है। इस दिन नवमी तारीख पूरे दिन और रात रहेगी। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती और सबसे आखिर में रामनवमी मनाई जाती। इस दिन घरों और मंदिरों में पूरे विधि विधान से भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना की जाती है। नवमी तारीख प्रारंभ 10 अप्रैल को देर रात 1:32 से नवमी तारीख समाप्ति 11 अप्रैल को सुबह 3:15 पर, वही पूजा का मुहूर्त 10 अप्रैल को सुबह 11:10 से 1:32 तक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने निकाली रिक्तियां। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने तृतीय स्नातक स्तर की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा परीक्षक के कुल मिलाकर 2187 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का स्नातक पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 17 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे कविता रॉय की। कविता रॉय एक पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये भारतीय टीम के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेल चुकी थी और ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों किया करती थी। कविता रॉय का जन्म बिहार के हाजीपुर में आज ही के दिन यानी कि 10 अप्रैल साल 1980 को हुआ था। कविता को कई लोग प्यार से पॉली के नाम से भी बुलाते थे। कविता मूल रूप से दाहिने हाथ की बल्लेबाजी करती थी और दाहिने हाथ में मध्यम तेज गेंदबाजी भी करती थी। उन्होंने सबसे पहले वनडे में पदार्पण 15 दिसंबर 2000 में किया था। बिहार बोर्ड ने जारी किया कंपार्टमेंटल एग्जाम का स्केड्यूल। हाल ही में बिहार बोर्ड की तरफ से 12वीं के परीक्षा परिणाम को जारी किया गया था, जिसके बाद ही छात्रों से कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अपील की गई थी और सभी छात्रों से आवेदन भी लिया गया था। इसी बीच अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा और स्पेशल एग्जाम 2022 का पूरा स्केड्यूल बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bihar.online.bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल परीक्षा 25 अप्रैल से 4 मई 2022 तक चलेगी। परीक्षा का पूरा स्केड्यूल बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bihar.online.bihar.gov.in पर जारी किया गया है। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। सुबह की परीक्षा 9:30 से 12:45 तक तो वहीं दोपहर की परीक्षा 1:45 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। बिहार के सभी जिलों के पुलिस लाइन में अब उतर सकेगा हेलीकॉप्टर। बिहार सरकार बीते कुछ लंबे समय से लगातार सभी जिलों को विमान सेवा से जोड़ने की योजना के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में अब बिहार के सभी जिलों के पुलिस भी इससे अछूते नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अब जल्द ही बिहार सरकार सभी जिलों को विमान सेवा से जोड़ने की व्यापक योजना तैयार कर रही है, जिसके तहत अब रात के समय में भी विमानों की लैंडिंग की व्यवस्था होने वाली है। इसको लेकर जल्द ही सभी जिलों के पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाने का काम शुरू होने वाला है। इसको लेकर बिहार के ऐसी योजनाएं भी बनाई जा रही हैं कि बाढ़ और भूकंप जैसे समय में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके, से आम लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय ने 2022-23 में जिलों के पुलिस लाइन में नाइट लैंडिंग के लिए हेलीपैड बनाने की स्वीकृति दे दी है। बिहार के कई शहरों में बनेगी 12 नई सड़कें और बाईपास। बिहार सरकार लंबे समय से बिहार में सड़कों का जाल बिछाने में लगी हुई है। इसी बीच अब बिहार में CRF योजना के तहत कई शहरों में 12 सड़कों का निर्माण होने वाला है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 872.52 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में मुख्य जिला सड़कों को लगभग 82.69 किलोमीटर लंबाई में करीब 494.16 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ ही करीब 38.1 किलोमीटर लंबाई के नए बाईपास का निर्माण करीब 378.84 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा।
जाएगा। जिन सड़कों को मंजूरी मिली है उसमें मीठापुर खगौल मेन रोड, बीटी कॉलेज रोड, मैरवा धरौली रोड, इटरही धनसोई रोड, जहानाबाद बाईपास, निधि चौक से महावीर मंदिर चौक, रिवीलगंज से विष्णुपुरा बाईपास, अमनौर बाईपास, परसा बाईपास रोड, आरसीसी ब्रिज अखाड़ा घाट के समीप छितनावा, NH 30 उसरी दानापुर, शिवाला पथ निर्माण विभाग रोड और गरखा बाईपास रोड गया शहर में NH 83 का बायां हिस्सा इसमें शामिल है। अभी नहीं मिलेगी लू से राहत। बिहार में गर्मी का सितम जारी है। आलम कुछ यूं है कि बिहार में लू ने परेशानी बढ़ा रखी है। इससे भी परेशानी वाली बात यह है कि बिहार में लू के कहर से लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले दो दिनों तक दक्षिण बिहार के बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई और बांका में लू का प्रभाव बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले जहां दो दिनों में प्रदेश के दक्षिणी भाग के अधिकतम तापमान में सामान्य से 3-4 डिग्री ऊपर चढ़ने के आसार है, वहीं उत्तर बिहार के अधिकतम तापमान में भी सामान्य से 2-3 डिग्री वृद्धि की संभावना है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार विधान परिषद लंबे अरसे बाद पहुंची फुल स्ट्रेंथ में। एक अरसे के बाद अब बिहार विधान परिषद पूरी तरीके से हाउसफुल हो गया है, क्योंकि परिषद की सभी 75 सीटें भर गई हैं। क्योंकि उम्मीद है कि अब अगले सप्ताह नए 24 सदस्यों को सदन की सदस्यता दिलवाई जाएगी। इसके बाद पूरे सदन के साथ सीएम नीतीश कुमार भी इसका हिस्सा है। पेशे से इंजीनियर सीएम नीतीश साल 2006 से लगातार ही इस सदन के सदस्य हैं। सदन के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। वहीं सदन में MBBS डिग्रीधारी सदस्य भी हैं। भाजपा के सदस्य डॉक्टर NK यादव MBBS डिग्रीधारी हैं। चुनाव आयोग को सौंपे शपथ पत्र के अनुसार 5 सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम की है। आज होने वाले CDS NDA परीक्षा में होगी तीसरी आंख की निगरानी। बिहार में आज CDS NDA की परीक्षा का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर बिहार में जिन भी शहरों में सेंटर बनाए गए हैं वहीं पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंटरों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। इतना ही नहीं, सभी सेंटर पर जैमर और CCTV के साथ नकल रोकने के लिए अन्य संसाधन भी लगा दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस और नेशनल डिफेंस अकेडमी और नवल अकेडमी परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके तहत ही सहायक पर्यवेक्षक, जोनल मजिस्ट्रेटों, सुरक्षित मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार में महंगी हुई ITI की पढ़ाई। बिहार में ITI की पढ़ाई अब और ज्यादा महंगी होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के 1201 निजी ITI में पढ़ाई अब महंगी हो गई है। इसको लेकर प्रशिक्षण महानिदेशालय ने ग्रामीण इलाकों में 11,000 और शहरी इलाके में 9,500 रूपये सालाना फीस बढ़ा दी है। इसका असर बिहार में 2.5 लाख छात्रों पर होगा। DGT की तरफ से इसको लेकर विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक अब 8 साल के बाद फीस में बढ़ोतरी बेतहाशा हुई है। नई फीस अगस्त 2022 से शुरू होने वाले सत्र में नामांकन वाले प्रशिक्षुओं पर लागू होगी। ग्रामीण इलाकों के ITI के इंजीनियरिंग ट्रेड में पढ़ने वाले छात्रों को मात्र 15,000 सालाना से अब 26,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं शहरी इलाकों के ITI में नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अभी 13,200 रुपए देने पड़ते हैं, जिसे बढ़ाकर 21,200 रुपए कर दिया गया है। मधुबनी के भगवती स्थान उच्चैठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मिथिला में एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ के नाम से जाने जाने वाला भगवती स्थान उच्चैठ बेनीपट्टी अनुमंडल में स्थित है। भगवती मंदिर के गर्भगृह में मां दुर्गा सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। इन्हें छिन्मस्तिका दुर्गा भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्गा मां सिर्फ कंधे तक ही दिखाई देती है, कंधे से ऊपर इनका सिर नहीं है। मान्यताओं के अनुसार कालिदास पहले काफी मूर्ख थे, परंतु इसी स्थान पर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर वो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार बने। NIT पटना में प्राइवेट नहीं सरकारी कंपनियों ने भी लगाई प्रतिभा पर मुहर। कोरोना के मामलों में अब कमी आने लगी है। हालांकि कोरोना की तीनों लहरों में छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, लेकिन अब कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के सिलेक्शन से संस्थान मैनेजमेंट और छात्र दोनों ही उत्साहित हैं। प्लेसमेंट के लिए अभी भी प्राइवेट और IT सेक्टर की कई कंपनियां आ रही हैं। सिलेक्ट किए गए छात्र मैकेनिक, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं। सबसे खास बात यही है कि अब इन संस्थानों में सरकारी कंपनियां भी जा रही है और बेहतर स्टूडेंट्स का चुनाव कर रही है। NIT पटना में भी पिछले करीब 8 सालों में पहली बार सेक्टर यूनिट ने बड़ी संख्या में छात्रों को प्लेसमेंट ऑफर किया है। इससे यहां की फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों के बीच में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली मुंबई के बाद अब बिहार में भी यहां मिलेगी वंदे भारत। उत्तर बिहार में भी दिल्ली और मुंबई आदि महानगरों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन होने वाला है। पूर्व मध्य रेलवे में 10 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। इसमें ही 2 ट्रेन उत्तर बिहार से चलाने की तैयारी हो रही है। सोनपुर रेल मंडल के बरौनी और समस्तीपुर रेल मंडल के सहरसा से वंदे एक्सप्रेस चलाने की योजना है। दोनों ट्रेन मुजफ्फरपुर से गुजरेगी। उत्तर बिहार से सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने से यात्री 14 से 16 घंटे में उत्तर बिहार से दिल्ली आसानी से पहुंच सकेंगे।
बिहार के 33 जिलों में आज से अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। बिहार के 33 जिलों में आज से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसको लेकर बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि रामनवमी पर्व के मौके पर जिलों में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा झांकियों के दौरान विशेष दंडाधिकारी और अतिरिक्त फोर्स को साथ में लगाया जाए ताकि किसी प्रकार का विवाद या लोगों में आपसी झड़प वगैरह न हो और इसे नियंत्रित किया जा सके। डीजीपी ने जानकारी दी कि जिलों में प्रतिनियुक्त किए गए जवान 12 अप्रैल तक रहेंगे। मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली को शुरू हुई जीआई टैग दिलाने की तैयारी। बिहार सरकार मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली को जल्द ही जीआई टैग दिलाने की तैयारी में है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने स्कीम पर काम शुरू कर दिया है। सलाहकारों की नियुक्ति कर दोनों मछलियों पर शोध शुरू किया गया है। उम्मीद है कि जून में इसकी रिपोर्ट आते ही विभाग जीआई टैग के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में अपना दावा पेश करेगा। बिहार के मत्स्य निदेशक निशात अहमद ने प्रभात खबर से बातचीत में बताया है कि मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली को लेकर अभी शोध कार्य शुरू हुआ है। बिहार में अब हर शख्स को हर दिन मिलेगा 70 लीटर पानी। बिहार में अब राज्य सरकार जल्द ही एक खास मुहिम की शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत ही अब जल्द ही बिहार में हर घर नल का जल योजना के पानी की बर्बादी को रोकने के लिए राज्य सरकार अभियान शुरू कर रही है। इसको लेकर ही वार्ड स्तर पर युवाओं की निगरानी समिति बनाई जा रही है। इससे जागरूक युवा और युवतियों को शामिल किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में इस अभियान को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वार्ड स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य अपने क्षेत्र में भ्रमण कर देखेंगे कि किस घर में पानी की बर्बादी हो रही है। योजना के तहत परिवार के हर एक सदस्य को प्रतिदिन 70 लीटर पानी देने का प्राविधान है, लेकिन जल चौपाल में यह भी चर्चा होगी कि पानी का किफायती उपयोग कैसे किया जाए। बिहार की राजनीति में राजश्री की एंट्री। जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शादी की है, तब से उनकी पत्नी के राजनीति में आने की संभावनाएं जताई जा रही थी। बीते दिन ऐसा देखने को भी मिला। जब राजद की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में राबड़ी देवी की एग्जिट हुई, वहीं उनकी जगह अब पोस्टर में राजश्री की एंट्री हो गई है। रामनवमी के शुभ अवसर को लेकर पटना में लगाए गए पोस्टर में राजश्री देखने को मिल रही है। सिर्फ राबड़ी देवी नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव को भी इसमें जगह नहीं मिली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस पोस्टर में राजद की तरफ से अनिल सम्राट की तरफ से इसे जारी किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना का सामाजिक अंकेक्षण चढ़ा आचार संहिता के भेंट। बिहार में विधान परिषद चुनाव का असर सरकार की कई योजनाओं पर पड़ा है, जिसके तहत ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए लेने वाले किसानों का सोशल ऑडिट किया जाना था, लेकिन बिहार में विधान परिषद चुनाव आचार संहिता के कारण ग्राम सभा की बैठक हुई ही नहीं। इस कारण ग्राम पंचायतवार पात्र अपात्र लाभान्वितों की सूची नहीं बन पाई है। कृषि विभाग ने सत्यापन का काम 22 अप्रैल को आने वाले संभावित किश्त से पहले पूरा कराने का लक्ष्य तय किया था। बिहार में 8 अप्रैल तक 1,25,2,120 किसान इस योजना में पंजीकृत है, लेकिन जनवरी 2022 में 83,53,270 किसानों के खाते में 16,70,65,40,000 रुपए डीबीटी से भेजी गई थी। रेलवे और सड़क योजना में मददगार बनेगी बिहार की नदियां। अक्सर बिहार में बाढ़ आने पर नदी में पानी ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। नदियों में जमा गाद के कारण कई बार इनकी धारा ही परिवर्तित हो जाती है, इससे नदियों का किनारा बढ़ता जाता है, लेकिन अब यही गाद विकास के कार्यों में इस्तेमाल होगी। इसका इस्तेमाल रेलवे से लेकर सड़क निर्माण एजेंसियां तक करेंगी। खान एवं भूतत्व विभाग नदियों में जमा गाद को निकालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी तैयार करने की तैयारी कर रहा है। इस कार्य में जल संसाधन विभाग और सभी कार्य विभाग, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी खान एवं भूतत्व विभाग को मदद करेंगे। इसको लेकर बीते दिनों मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने खान एवं भूतत्व विभाग की वार्षिक गतिविधियों को लेकर एक बैठक में उक्त आदेश दिया है। एमएलसी चुनाव परिणाम पर पहली बार सीएम ने दिया बयान, जताया आश्चर्य। बिहार में हाल ही में एमएलसी का चुनाव भी हुआ और शांतिपूर्ण ढंग से परिणाम की भी घोषणा की गई, जो उसके बाद ही इस चुनाव परिणाम को लेकर अलग अलग तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच सीएम नीतीश ने परिणाम को लेकर बीते दिन बड़ी बात कही है, जिसके तहत बीते दिन ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव के रिजल्ट पर हमें भी आश्चर्य हो रहा। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे उम्मीदवार जो जीत के लिए सुनिश्चित थे वो हार गए, जिससे हमें आश्चर्य हो रहा है। इस चुनाव में कैसे कार्य होता है ये सबको पता है। एमएलसी चुनाव आम जनता के वोट से नहीं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव से होता है। पिछली बार हमारा राजद के साथ अलायंस था और भाजपा को ज्यादा सीट पर जीत मिली थी, इस चुनाव का रूप ही अलग होता है। पीएफ पर इस बार पिछले साल से कम मिलेगा ब्याज।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंशधारकों की जमा निधि पर ब्याज का पैसा मई तक दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि इस बार साल 2020-21 की तुलना में ब्याज का पैसा कम मिल सकता है, क्योंकि ब्याज दर घटाकर 8.10% करने की सिफारिश की गई है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया था। ईपीएफओ के अंशधारकों का इंतजार खत्म होने वाला है, उन्हें ब्याज का पैसा मई तक मिल जाने की उम्मीद है। पटना स्थित ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय की तरफ से ही कहा गया है कि इस बार ब्याज दर में बदलाव की सिफारिश की गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमतों में हुई कमी। देश भर में चौथी लहर की आशंका के बीच 18 साल से अधिक आयु के युवाओं को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लेने के लिए अब 225 रुपए ही देने होंगे। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने शनिवार को इसकी कीमत घटाने की घोषणा की, यानी कि अब निजी अस्पतालों में इन दोनों ही वैक्सीन की एक डोज 225 रुपए में लगेगी। इससे पहले निजी अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपए और कोवैक्सीन की 1200 रुपए में मिल रही थी। इसको लेकर केंद्र सरकार की काफी आलोचना की गई, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी नागरिकों को निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। इथियोपिया में ब्रिटिश और भारतीय सेना ने 1868 में ट्रेवोडोज द्वितीय की सेना को हराया और इस युद्ध में 700 इथियोपियन मारे गए थे, जबकि सिर्फ 2 ब्रिटिश भारतीय सैनिक शहीद हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। रामचंद्र चटर्जी 1889 में गर्म गुब्बारे में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय बने। भारत का बहुउद्देश्य उपग्रह इनसैट 1A का 1982 में सफल प्रक्षेपण हुआ। भारत और ईरान के बीच 2001 में तेहरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। बंगाल के प्रमुख कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी जी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन का 1897 में जन्म हुआ। भारतीय राजनेता नारायण राणे का 1952 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री आयशा टाकिया का 1986 में जन्म आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न से सम्मानित भारत के 6th प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का 1995 में निधन हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले इस टीम के साथ प्रैक्टिस मैच खेलेगा भारत। भारतीय क्रिकेट टीम इंडियन प्रीमियर लीग के खत्म होने के बाद इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है। इस दौरे पर टीम इंडिया को 3 T20 और फिर इतने ही वनडे मैच की सीरीज खेलने उतरनी होगी और 2 टीमें उतरेंगी। हालांकि खबरें पिछले दौर पर स्थगित किए गए टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले को भी खेलने की थी। भारतीय जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवर की सीरीज से पहले डर्बीशायर और नॉर्थहैम्पटन शायर के खिलाफ 2 T20 अभ्यास मैच खेलेगा। ये मैच क्रमशः 1 और 3 जुलाई को खेले जाएंगे। ये दोनों मैच तब खेले जाएंगे जब भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले साल कोरोना के कारण स्थगित किया गया था 5वां और अंतिम टेस्ट मैच खेला जाएगा। सोनम कपूर के दिल्ली वाले घर में हुई चोरी, करोड़ों रुपए की हुई लूट। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर और उनके पति आनंद अहूजा ने हाल ही में फैंस को खुशखबरी दी थी कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब कपल के घर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल सोनम कपूर और आनंद अहूजा के दिल्ली वाले घर में करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। खबर का खुलासा तब हुआ जब सोनम कपूर की दादी सास सरला अहूजा ने घर में चोरी होने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि घर से 1,41,00,000 रुपए से भी ज्यादा की चोरी हुई है, जिसमें क्या और ज्वेलरी दोनों शामिल है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकास बिहारी, उमेश प्रकाश, नीतीश सुमन, मनीषा कुमारी, कुनकुन कुमार, शंकर मुखिया, नवीन कुमार, किशु देवी, प्रिया यादव, रमाकांत कुमार, तनवीर शेख, रोहित कुमार, कन्हैया सिंह। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात दिलवाने में बिहार सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास से आप संतुष्ट है या नहीं, अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।